लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है दलाई लामा से जुड़ी हुई, लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग। सबसे पहले आपके सामने, कैसे चीन दलाई लामा के खिलाफ साजिश रच रहा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका एक सबूत सामने आ गया है। बड़ी खबर, दलाई लामा की जासूसी करवा रहा है चीन। जासूसी करने चीन से आई महिला जासूस बोधगया में भिक्षु बनकर घूम रही है चीनी जासूस। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उस जासूस का स्केच जारी किया है। स्केच में चीनी जासूस का नाम सोंग जियोन बताया जा रहा है। बोधगया में इस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और दलाई लामा इस वक्त वहीं पर है, और दलाई लामा के खिलाफ चीन हमेशा किस तरह से साजिशें रचता है और वो जानता है कि दलाई लामा उसके लिए कितना बड़ा थ्रेट है। लेकिन कैसे अब एक चीनी जासूस को भेजा गया है उनकी जासूसी करने के लिए, मकसद क्या है यह भी सामने नहीं आया, लेकिन जासूसी वो कर रही है महिला, और उस महिला का स्केच पुलिस ने जारी किया है। तो आइए इस जासूस के बारे में आपको डिटेल्स देते हैं। इस जासूस का नाम क्या है? इस जासूस का नाम है सोंग जियोन, राष्ट्रीयता चीन, यानी ये चीन की नागरिक है। इसका वीजा नंबर सामने आ गया है और पासपोर्ट नंबर तक जारी किया गया है, और ये कहा गया है कि अगर किसी को इस जासूस के बारे में कोई जानकारी हो तो वो पुलिस को दे। गया की एसएसपी का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चाइना का बताए जा रहे हैं जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसा सच नहीं है। इन्होंने बताया ना कि इनपुट आया कि चाइनीज लेडी हैं और ये इनका उनका जो स्केच है, तो वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर कोई आई हैं कहीं रुकी हैं, तो हम जितने भी यहाँ पे ठहरने के स्थान हैं उन सभी जगह पे जाके उसको वेरीफाई कर रहे हैं।